मित्रों आप सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रवेश यादव कॉग्निटिव डोमेन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जानते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के चैप्टर 3 के बारे में, जो वीडियो कल मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को देखिए और इस वीडियो में हम आज आपको सिखाएंगे मार्क बोर्ड परीक्षा प्रयोगी प्रश्न की चर्चा करेंगे जो आपके आने वाली परीक्षा के दृष्टि बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए जानते हैं प्रश्न नंबर 1। एक है, एक क्या है? तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर एक न तो भाज्य है और नए अभाज्य है। इसी क्रम में हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। शून्य केवल एक है, तो शून्य केवल एक पूर्णांक है या एक प्राकृत? एक पूर्णांक है। प्रश्न नंबर 3, सबसे छोटी सबसे छोटा पूर्णांक है तो सबसे छोटा पूर्णांक माइनस अनंत प्रश्न नंबर 4, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। तो मित्रों क्रमागत दो पूर्णांक का अंतर एक होता है, जैसे 3 और 4 कोई दो क्रमागत संख्या है तो इनका अंतर पूछ रहा है 4 माइनस 3 बराबर 1, अर्थात किसी भी क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होता है, उत्तर आपका क्या होगा? किसी भी पूर्ण संख्या में से एक शून्य को घटाते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या में से शून्य को घटाते हैं। प्रश्न नंबर 6, जो आपके लिए प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, इसका उत्तर प्राकृतिक संख्या जिसे हम एन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो सभी गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यदि इनमें से कोई भी आ गया तो आप उसमें से ट्रिक लगा सकते हैं। अगला ऋण पूर्णांक संख्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है। ऐसी कौन सी संख्या होती है जो ऋण पूर्णांक होती है? तो इसका उत्तर सभी ऋणात्मक संख्याएं
ऋण पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ऋण पूर्णांक संख्या होती हैं -1, -2, -3, -4, डैश डैश डैश। मुझे उम्मीद है मेरे प्रिय मित्रों, ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी और पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।